छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां मोबाइल की जिद के कारण एक 12वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली। दरअसल 12वीं कक्षा के छात्र ने अपने परिवार वालों से तुरंत नया मोबाइल दिलाने की मांग की। देरी होने पर छात्र ने जहर खाकर जान दे दी। इस घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। मामला बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम तरैद का बताया जा रहा है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। मृतक भुवनेश्वर कुमार कोसरे कक्षा 12वीं का छात्र था, जो ग्राम तरौत जिला बालोद का रहने वाला था। आत्मानंद स्कूल बालोद में पढ़ रहा था। 23 तारीख को रात में अपने पिता जी परिजन से बोले कि मेरे लिए अभी मोबाइल खरीद दो। तो वो उनके पिताजी बोले कि 2-4 दिन के बाद खरीद दूंगा। मृतक जो है अपने बड़े पापा को फ़ोन लगा के बोला कि मेरे लिए अभी मोबाइल नहीं खरीद रहे हैं, मैं भाग जाऊंगा, मर जाऊंगा। फिर 24 तारीख को सुबह घर से स्कूल ड्रेस पहन के निकला और गांव के बाहर जो नहर है वहां नहर नाली के पास बैठ गया था। तो उनके दोस्त लोग आए तो बताया कि मैं जहर सेवन कर लिया हूं, मेरे पिताजी को फ़ोन लगा दो। तो उनके दोस्त जो है उनको पिताजी को फ़ोन लगाया और उनके दोस्त लोग उनको बालोद के जिला अस्पताल ले गए। फिर परिजन जो है बालोद चले गए, वहाँ से रिफ़र होने के बाद क्रिश्चन अस्पताल धमतरी लाए। उपचार के दौरान आज सुबह 5:30 बजे फौत हो गए। देखिए, कोई भी चीज़ का यूज़ अगर हम बैलेंस में करें, एक टाइम लिमिट में करें तो ख़राब नहीं है, है ना। पर अगर बच्चा कंटिन्यूसली मोबाइल यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में कर रहा है, तो ये पेरेंट्स माता पिता की जिम्मेदारी है कि इसके पीछे कारण कि वो क्यों कर रहा है। तो मेरा सिर्फ यही है कि अगर हर माता पिता अपने बच्चों को एक क्वालिटी टाइम दे, जब वो टाइम देना शुरू करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूवमेंट होती है। जब बच्चा अपने माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करता है, तो अगर उसके अंदर कोई परेशानी है तो वो अपने माता पिता से शेयर करता है, तो उसको लगता है कि हाँ कोई तो है, मतलब माता पिता है जो मेरा ध्यान रख रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, और वो अकेलापन महसूस नहीं करता। तो इससे वो ना केवल माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करता है बल्कि अपने जो भी पीयर ग्रुप है, दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करता है, स्कूल के बारे में चर्चा करता है, आसपास जो चीज़ें चलती उनके बारे में चर्चा करता है। तो इससे क्या है, माता पिता को अपने बच्चों को जानने का मौका मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हर माता पिता अपने बच्चों को कम से कम आधे घंटे भी समय देते हैं, क्वालिटी टाइम देते हैं, तो जो चीज़ें हैं वो मतलब शॉर्ट आउट होगी। जो आजकल बहुत है कि बच्चा आवेश में आके, अगर वो आवेश में आते हैं, इसका मतलब ये है कि बच्चे के कहीं ना कहीं व्यवहार में दिक्कत है, या तो क्या वो जल्दी एग्रेसिव बिहेव करता है, तो ऐसा क्यों करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं।